और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर के है कि देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 12 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। ईडी के मुताबिक अनिल देशमुख को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि आज कोर्ट खुलने के बाद अनिल देशमुख की कोर्ट में पेशी होगी और ईडी आज कस्टडी मांग सकती है अनिल देशमुख की। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की ओर से क्या तथ्य रखे जाते हैं, किस तरीके से वो कस्टडी मांगेगी अनिल देशमुख की। और कल 12 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी अनिल देशमुख से, इस दौरान आगे भी पूछताछ करना जरूर चाहेगी ईडी और इसी के लिए आज ईडी कस्टडी मांग सकती है अनिल देशमुख की। इससे पहले कई बार समन भी ईडी द्वारा अनिल देशमुख को भेजा गया था। 100 करोड़ की वसूली मामले में उनको ईडी द्वारा ये समन भेजा गया था। इससे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए थे, 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईडी ने उनके कई जगहों पर छापेमारी की, उनके कई स्थानों पर छापेमारी की गई और ईडी ने कई समन भी इससे पहले भेजे थे, 5 समन भेजे गए, लेकिन अनिल देशमुख ईडी के सामने नहीं पेश हुए। और कल जब उनके ईडी के सामने वो पेश होते हैं तो 12 घंटे की लंबी पूछताछ अनिल देशमुख से की जाती है। हालांकि वो बार बार कहते आए हैं कि मैंने पूरा सहयोग दिया था, ईडी ने जो भी कुछ पूछा उसमें मेरा पूरा सहयोग था। हालांकि इससे पहले जब भी उनको समन भेजा गया वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और आज कोर्ट में पेशी हो सकती है अनिल देशमुख की। अब ईडी किस तरीके से क्या तथ्य रखेगी, किस तरीके से कस्टडी मांगेगी अनिल देशमुख की और अनिल देशमुख खुद का बचाव किस तरीके से करते हुए दिखेंगे, उनके वकील क्या दलीलें देंगे इस दौरान, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इससे पहले 12 घंटों की लंबी पूछताछ होगी या पूछताछ हुई थी, यानी आप देखिए अनिल देशमुख की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और आज कोर्ट में अगर कस्टडी मिलती है अनिल देशमुख की ईडी को तो उसके बाद अनिल देशमुख की आगे की राहें और ज्यादा मुश्किल हालात उनके लिए पैदा करने वाली हैं, क्योंकि और पूछताछ उनसे होगी 100 करोड़ की वसूली मामले को लेकर और कौन कौन लोग इस मनी लॉन्ड्रिंग में उनके साथ शामिल थे उनके भी नाम हो सकता है चौंकाने वाले धीरे धीरे सामने आए। 70 साल के हैं अनिल देशमुख और इससे पहले महाराष्ट्र के वो गृह मंत्री रह चुके हैं और इसी वजह उनसे उन्होंने अपना पद भी छोड़ा था जब उनके ऊपर 100 करोड़ वसूली का ये आरोप लगा था, जिसके बाद से लगातार ईडी ने उनको तमाम समन भेजे लेकिन वो ईडी के सामने नहीं पेश हुए। विवेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या तस्वीर आज कोर्ट में देखने को मिलेगी, किस तरीके से ईडी अपने तथ्य रखेगी और साथ साथ किस तरीके से अनिल देशमुख के वकील उनका बचाव करते हुए दिखेंगे आज कोर्ट में? देखिए, इस बार ईडी जो है अपनी पूरी जो पक्ष है वो बहुत मजबूत तरीके से रखेगी कोर्ट में, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर समझने की कोशिश करें तो अनिल देशमुख को ईडी ने 5 समन जारी किए थे लेकिन 5 समन का जवाब जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नहीं दिए थे। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर IPS परमवीर सिंह और उन्होंने एक बाकायदा आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने उनके ऊपर दबाव बनाया है कि 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का ये आरोप लगाया था और आरोप लगाने के बाद ही उसी चिट्ठी के आधार पर सबसे पहले जांच एजेंसी CBI ने मामला दर्ज किया और CBI के FIR के आधार पर पूरा मामला जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के पास पहुंचता है। ईडी इस पूरे मामले में जांच करती है और जांच के दौरान ईडी अनिल देशमुख के सबसे पहले 2 लोग को गिरफ्तार करती है, जिसमें अनिल देशमुख का PS पर्सनल सेक्रेटरी और PA पर्सनल असिस्टेंट 2 लोग को गिरफ्तार करती है और उनकी पूछताछ में अनिल देशमुख का रोल कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा था। यही वजह थी कि जो ईडी है वो अनिल देशमुख को लगातार 5 समन उन्होंने जारी किए थे लेकिन 5 समन का अनिल देशमुख ने जवाब नहीं दिया और साफ तौर पर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद ही ईडी में पेश होंगे। लेकिन अचानक 5 महीने बाद अचानक अनिल देशमुख अपने वकील के साथ ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, ईडी दफ्तर में उनका बयान दर्ज होता है और सबसे जो चौंकाने वाली बात होती है कि जब वो पहुंचते हैं तो ईडी के जो जोनल डायरेक्टर हैं सत्यव्रत कुमार वो दिल्ली में थे, उस समय दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के तुरंत वो मुंबई आते हैं, मुंबई एयरपोर्ट से सीधे वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है और साफ तौर पर जब सत्यव्रत जो जोनल डायरेक्टर ईडी के उनसे घंटों पूछताछ करते हैं तो बिल्कुल विवेक, और देखिए जिस तरीके से लगातार ये खलबली मची हुई थी, तुरंत गिरफ्तारी होती है और आज कोर्ट में पेशी होगी, ये माना जा सकता है विवेक कि यहाँ पर ईडी ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। ईडी अब किसी भी तरीके से कोई भी दलील देके कस्टडी जरूर लेना चाहेगी अनिल देशमुख की, क्योंकि इससे पहले उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में।
हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए इसमें ईडी बिल्कुल भी कोताही नहीं कर देगी, क्योंकि ईडी के पास मजबूत केस है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि उनके पास मजबूत केस है और जो 100 करोड़ रुपए की वसूली का जो आरोप लगा है उसके खिलाफ उनके पास कई सबूत इकट्ठे भी हुए हैं। बार बार जब अनिल देशमुख को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो अनिल देशमुख ने उस समय ईडी का सहयोग नहीं किया था। ऑल ऑफ सडन अचानक 4 से 5 महीने बाद अनिल देशमुख सामने आते हैं और ईडी दफ्तर में पहुंचते हैं। तो ईडी सूत्रों का मानना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और जिस तरीके से पहले ही अनिल देशमुख के पीएस और पीए को गिरफ्तार किया गया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो पूरे रोल में है वो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का जो रोल है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब पूरे कोर्ट में जब अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो ईडी के जो वकील होंगे जो सरकारी पक्ष होगा वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, दलीलें देगा कि जो 100 करोड़ रुपए के वसूली के जो आरोप लगाए उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यानी कि पैसे को विदेश में भेजे गए हैं और उस पैसों से बेनामी संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबूत जो होंगे ईडी के पास जरूर होंगे और इसी के आधार पर वो कोर्ट में जिरह लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अनिल देशमुख को ज्यादा से ज्यादा पुलिस हिरासत मिले। जी बिल्कुल विवेक। और इस 100 करोड़ वसूली मामले में आखिर इस 100 करोड़ का क्या कुछ किया अनिल देशमुख ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर आज ईडी उनकी कस्टडी जरूर लेना चाहेगी, ईडी की ओर से भी तमाम दलीलें होंगी और कल 12 घंटे की लंबी पूछताछ।